परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा के नाम पर अपमानित कर रही राजस्थान सरकार, जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि कोई भी परीक्षा होने पर परीक्षार्थियों छात्र छात्राओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यात्रा करने वाले छात्र छात्राओं को बस कंडक्टर अपमानित करते हैं तथा मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, जिसका एक उदाहरण आज जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर अस्थायी बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां लगभग 40 छात्र छात्राओं को कंडक्टर ने पुलिस की मदद से बस से उतार दिया। असल में निःशुल्क यात्रा के बारे में राज्य सरकार का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। परीक्षा के एडमिट कार्ड में जो पता लिखा हुआ है उसे कंडक्टर नहीं मानते तथा आधार कार्ड के आधार पर निवास निर्धारित करते हैं, जो कि कतई गलत है, क्योंकि ज्यादातर छात्र छात्राएं जयपुर में रहकर तैयारी कर रहे हैं तथा परीक्षा देने भी जयपुर से ही जाते हैं। आधार कार्ड उनके मूल निवास स्थान के बने हुए हैं। इस आधार पर ज्यादातर विद्यार्थियों को सरकार की इस निःशुल्क यात्रा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। परीक्षार्थियां जहां वर्तमान में रह रहा है तथा परीक्षा के एडमिट कार्ड में वर्तमान पत्र दिया गया है, तो फिर आधार कार्ड को क्यों आधार माना जा रहा है? यह सरासर छात्र छात्राओं के साथ छलावा है। उन्हें एडमिट कार्ड में दिए पते के आधार पर यात्रा करवानी चाहिए। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप जाइए, आप प्रेस में बता दीजिए, वो आ जाएंगे हमारे युवाओं में पूछ लेंगे, रोडवेज से पूछ लेंगे। आप, मैं बता रहा हूँ, न्यूज चैनल फैलाओगे बंद हो गए, आपको परीक्षा सेंटर पे जाना है, आराम से जाइए। तरीके से बता दिया, कौन है, कौन बैलेट कहाँ का है आपका, एड्रेस कहाँ का है? जयपुर आया हूँ, आज देखे आ रहा हूँ। तो देख आ रहा था, तू बैठ जा, तू देख आ रहा जो बैठ जा, देख आया जो सबको उतारूंगा, बना रहा हूँ। कौन है, मेरे क्यों लेट कर रहे हैं? तो बसो, मैं भेजूंगा क्या बुजुर्ग के लिए रोडवेज? नहीं तो काम से गलती किसकी है, गलती किसकी है, मेरी है, इनकी, आपके साथ बाकी बैठे हैं उनकी थोड़ी है। तो बस चार के चक्कर में सब तो परेशान हो रहे हैं, तो एक 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 बजे सारा परेशान होता है आदमी। सरकार की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करें, सावरमल वर्मा, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान एवं उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह, विकास अधिकारी राकेश सिंगल सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी योजनाओं का पात्र व्यक्ति एवं आमजन को लाभ मिले। प्रचार प्रसार कर प्रत्येक परिवार को चिरंजीवी योजनाओं में पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। वर्मा स्वास्थ्य विभाग की प्रगति से नाखुश दिखाई दिए। इस अवसर पर विकास अधिकारी राकेश सिंगल द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं प्रधानमंत्री आवास सहित सभी महत्वपूर्ण योजना की प्रगति प्रस्तुत की, जिनकी संभागीय आयुक्त वर्मा ने समीक्षा की। राज्य संदर्भ व्यक्ति एवं स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चल रही गतिविधियों की प्रगति प्रस्तुत की। तत्पश्चात अन्य विभागों की समीक्षा बिंदुवार ली गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा बैठक में संबोधित करते हुए सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे सामूहिक रूप से मिलकर परिवारों का चिरंजीवी योजना में पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। उसके संबंध में समीक्षा बैठक आज यहाँ आपके उपखंड राजाखेड़ा में रखी गई है। तो मेरी जो है उपखंड राजाखेड़ा से रिलेटेड जो बीरोज है उनसे यह अनुरोध रहेगा कि आप जो फ्लेक्स की योजनाएं विभिन्न तरह की हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह से कर रहे हैं, क्या कठिनाई आ रही है और हम किस तरह से
और हमारे धौलपुर जिले को राज्य स्तर पर अच्छी श्रेणी में ला सके, उसके लिए क्या सुझाव है वो आप खुल के दें। तो बिना किसी भूमिका के सबसे पहले मैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो फ्रेंडशिप स्कीम है उसके बारे में जानकारी चाहूँगा कि जो शुद्ध गली युद्ध है उसमें राजाखेड़ा में 2 माह में केवल मात्र 3 सैंपल लिए गए। ब्लॉक सी बचो आप बताइए। सेंपो पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति किया गिरफ्तार। सेंपो की प्रमुख खबर। जिले की पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गत दिवस सायंकालीन गश्त के दौरान थाना प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम उदयभान सिंह ASI ने मय जाप्ता द्वारा महादेव मंदिर गेट के पास से मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति अशोक कुशवा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध 12 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई में थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम के साथ उदयभान सिंह ASI मुरारी लाल विक्रम सिंह पुरुषोत्तम कांस्टेबल शामिल रहे। विद्यालय के औचक निरीक्षण में मिली अनेक अनियमितताएं, धौलपुर की प्रमुख खबर। राज्य सरकार में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना आज धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने देवनारायण बोर्ड स्कूल के आवासीय ऋषि गालव उच्च माध्यमिक विद्यापीठ का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ देवनारायण बोर्ड की सचिव और अन्य अधिकारी भी साथ थे। निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितताएं देखने को मिली, जिस पर विद्यालय के अधिकारियों को फटकार लगाई। विद्यालय में 3 दिनों तक हाजिरी नहीं पाई गई। विद्यालय में दीवारों पर पेंट नहीं मिला तो वहीं जोगेंद्र सिंह अवाना विद्यालय के मेस में मधुमक्खी का छत्ता देखकर नाराज हुए और स्कूल संचालक को फटकार लगाई। राज्य मंत्री जोगेंद्र सिंह अवाना ने बताया कि स्कूल में भारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं, मापदंडों के अनुसार कोई कार्य सही नहीं पाया गया। निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा देवनारायण बोर्ड से जो पैसा करोड़ों दिया जा रहा है उसका यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों की कमेटी आई हुई है, रिपोर्ट बना के इस विद्यालय के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सरकार का पैसा है जो जनता की मेहनत का पैसा है, स्कूल में पैसा पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। निरीक्षण के स्टाफ पूर्ण नहीं मिला। बच्चों से बात करने पर पाया गया कि बच्चे 1 महीने बाद 5-6 दिन पहले स्कूल आए हैं। इस दौरान स्कूल संचालकों ने 1 माह बाद आने वाले कई बच्चों की 2 दिन पहले आए थे उनकी भी 15 दिन पहले की हाजिरी लगी हुई थी। चार साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। SBI बैंक गड़ी सुखा के मैनेजर रामेश्वर दयाल मीणा ने थाना कंचनपुर में 17 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कुछ लोगों ने बीमा कंपनी के फर्जी कागजात तैयार कर बैंक से लोन उठा लिया। साजिशकर्ता लगभग 15 मुलजिमों की सरगर्मी से तलाश की गई, जिनमें से ज्यादातर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। इसी मामले में वांछित ब्रजमोहन, जिस पर SP धौलपुर ने 500 का इनाम घोषित किया था, मुलजिम ब्रजमोहन निवासी बुद्धा कापुरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में एवं थानाधिकारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पेंडिंग प्रकरणों के निस्तारण के अंतर्गत फरार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी के साथ पुलिस टीम में गजन सिंह ASI, गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल, पूरणमल राम निवास, विश्वेंद्र सोनवीर, उमेश सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। बालिका विद्यालय की छात्राओं का विज्ञान मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बाड़ी की प्रमुख खबर। बालिका विद्यालय की छात्राओं की विज्ञान मेले में प्रतिभा आई सामने, जिला स्तरीय विज्ञान मेले में रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन। 10 छात्राओं में से 9 छात्राएं सफल रहीं, वहीं बालिका विद्यालय की 3 छात्राओं का राज्य स्तर पर हुआ चयन। राज्य स्तर पर विज्ञान क्षेत्र में अपना कौशल दिखाएंगी छात्रा आस्था परमार, दिव्यांशी रश्मि राठौर। सभी सफल छात्राओं को बालिका विद्यालय में किया गया सम्मानित। प्रधानाचार्य विनोद शर्मा ने कहा कि छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारने का लगातार प्रयास किया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा लगातार किए जा रहे शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर प्रयास। बाड़ी से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में किया गया, जिसमें हमारे यहाँ से 11 बच्चियों का पंजीयन हुआ था प्रत्येक प्रतियोगिता के बारे में, जिसमें से हमारी 10 बच्चियों ने तृतीय, द्वितीय और प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो विद्यालय के एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला बाली छात्राओं ने हैं। और हर एक प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय से सभी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं,
कहीं ना कहीं अपने नाम रोशन कर रही हैं, विद्यालय का नाम रोशन कर रही हैं। इससे पहले भी 2-3 प्रतियोगिता हुई थी, उनमें जिला स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मैं अपनी बच्चियों को, छात्राओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और उनके साथ में उनके माता पिता अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधि में भी अपना पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ पालन कर रही हैं और हमारे सभी शिक्षक वर्ग उसका सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे शिक्षक वर्गों को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चियों को भी जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधि में अपना महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया। धन्यवाद। अवैध देसी कट्टा एवं 3 चोरी की भैंस ले जाते हुए 2 गिरफ्तार, बसेड़ी की प्रमुख खबर। पार्वती नदी के जंगल में 2 व्यक्ति 3 चोरी की भैंसों को ले जाते हुए देखे गए। मुखबिर द्वारा इसकी सूचना मिलने पर ASI रेवेंद्र सिंह को मय जाप्ता के मौके पर भेजा गया, जहां मुखबिर की सूचना के अनुसार 2 व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई तथा उनकी तलाशी लेने पर उनसे एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर में 3 जिंदा कारतूस के बरामद हुए। SP धर्मेंद्र सिंह एवं पुलिस उप अधीक्षक बाड़ी मनीष कुमार शर्मा के निर्देशन में बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही में रेवेंद्र सिंह, ASI सूरजमल, हेड कांस्टेबल चरण सिंह, शीश राम एवं सत्येंद्र कांस्टेबल शामिल रहे। स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा समिति की बैठक संपन्न, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज 12 नवंबर को स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा समिति की बैठक जयपुर से आए ओम प्रकाश गुप्ता, प्रांतीय सदस्य राधेश्याम गर्ग एवं यात्रा आयोजनकर्ता भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के तत्वाधान में हुई। बैठक में बताया गया है कि विवेकानंद संदेश यात्रा 19 नवंबर 2022 को अलवर से आरंभ होकर 7 जनवरी 2022 तक राजस्थान के सभी 33 जिलों में जाएगी। इसी के अंतर्गत यह विवेकानंद संदेश यात्रा 23 नवंबर 2022 को धौलपुर जिले में पहुंचेगी, जिसको लेकर सर्वसम्मति से धौलपुर जिले की विवेकानंद संदेश यात्रा का संयोजक राम शर्मा को बनाया गया है। बैठक में संदेश यात्रा के रूट एवं व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रांतीय सदस्य डॉ. राधेश्याम गर्ग, भारत विकास परिषद धौलपुर शाखा अध्यक्ष जयंत मोदी, राजीव झा, प्रणव मुखर्जी, अतुल अग्रवाल, हेमेंद्र मंगल, डॉ. अशोक वर्मा, KK बंसल, नेमीचंद मित्तल, जयपुर से आए पर्यवेक्षक ओम प्रकाश गुप्ता एवं एडवोकेट जय उपस्थित रहे। आज भारत विकास परिषद धौलपुर ने जयपुर से आए हुए विवेकानंद संदेश यात्रा के पर्यवेक्षक ओम प्रकाश गुप्ता जी के साथ में बैठक की। ये संदेश यात्रा 23 नवंबर 2022 को निकाली जाएगी, जिसके अंदर हम लोगों ने रूट संतर रोड से लेके लाल विहार तक का रखा और लाल विहार में सभा के साथ समाप्त हो जाएगी। इसके अंदर संयोजक हमने राम शर्मा जी को बनाया जो इस पूरे कारोबार को देखेंगे। गेंदे के फूल की अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों ने की फसल नष्ट, सरानीखेड़ा धौलपुर की प्रमुख खबर। क्षेत्र में इस साल गेंदे की फसल अच्छी थी, लेकिन किसानों को इसकी पैदावार का भरपूर पैसा नहीं मिल पाता क्योंकि धौलपुर मंडी में कोई गेंदे का व्यापारी नहीं है। इस साल किसानों ने खड़ी गेंदे की फसल नष्ट कर दी और गेहूं की बुवाई चालू कर दी। किसान पूरी मेहनत करने के बाद भी जितना उसने सोचा है उतना पैसा नहीं मिल पाता और इस बार दिवाली पर भी फूलों की ज्यादा बिक्री नहीं हुई। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।